फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड, थोड़ा सा अपडेट अपने गार्डन का आज दूंगी। बहुत टाइम से नहीं दिया है, तो किन किन प्लांट्स पर मेरी फ्लावरिंग हो रही है और क्या क्या चल रहा है, तो यही सब शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी और बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स फिर रह जाते हैं। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक मेरा कॉर्नर है टेरेस का, तो यहाँ मैंने यूफोर्बिया मिली को रखा हुआ है, जो कि हवा से बार बार गिरता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ रखा। और इसका भी मुझे हार्ट प्रूनिंग करनी थी तो नहीं कर पाई मैं, और इस पर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी सी। तो ये देखिए कितनी सुंदर ये फ्लावरिंग हो गई है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत कटिंग से बहुत आसानी से ये हो जाता है। और इधर ये मेरा अगेव रखा हुआ है, और ये मेरे गॉमफ्रीना की शीडलिंग्स है, जिसको मैं जल्दी ही रिपोर्ट करूँगी। और ये कटिंग मैंने अभी कनेर की कुछ टाइम पहले लगाई थी, तो ये देखिए कितनी अच्छी से ये हो गई है। और इस ग्रो बैग में ये बोगनविलिया की कटिंग को लगाया था, तो ये भी सक्सेस हो गई है। और इधर ये जेड प्लांट लगाए थे, ये देखिए बहुत सारे जेड प्लांट की कटिंग्स को लगाया है, तो लगभग सभी कटिंग्स जो हैं बहुत अच्छे से चल गई हैं। और ये मेरा हर श्रृंगार, जो कि एक पड़ोस की आंटी ने मुझे दिया था, तो ये हमने लगा दिया, और देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। और ये मेरे फ्री के सिलोसिया, जो कि जहाँ तहाँ मेरे प्लांट्स में उग आए थे, तो इन सबको ऐसे ही रिपोर्ट कर दिया है। और ये मेरा रियो प्लांट, जो कि बार बार सूखने के बाद भी देखिए अब फिर से अपनी शेप में आ गया है। और ये कुछ इधर विनका, जो अपने आप से उगाए हैं ये दोनों इसमें, और ये देखिए दोनों ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर से लस्ट ग्रीन इनके पत्ते हो गए हैं, बहुत ही प्यारे से विनका इस बार मेरे हम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। फूलों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये देखिए नीचे भी लगे हुए हैं, मतलब ये उगे अपने आप हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छे ही ग्रोथ इनकी हुई है। फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा है, और अभी कुछ मेरे जो विनका है वो साइड में रखे हुए हैं, उनके फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो एक भी प्लांट मैंने फेंका नहीं, सबको कहीं ना कहीं लगा दिया है। और ये देसी बेनियन ट्री जो होता है, बड़ वृक्ष, उसकी कटिंग लगाई थी, तो ये भी हो गई है। और ये थोड़ा सा जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी, और इस तरह मेरा ये जेड प्लांट का कलेक्शन है। इसे मैं बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा से। और ये देखिए मेरे बालसम, जो कि फुल ब्लूम पर हैं, और कुछ दिन इनकी ठीक से देख रेख नहीं की थी, तो उसकी वजह से थोड़े से ऐसे हो गए। अदरवाइज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हर साल हमारे यहाँ बालसम देते हैं, रेड कलर का ही है। और मेरे यहाँ पर पिंक कलर का था, लेकिन मैं वहाँ से नहीं ला पाई, और ले आती तो अच्छा होता। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये भी, और आसानी से ये लग जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। इधर मेरे मैरीगोल्ड, ये सारे मेरे बालसम फ्री के हैं, जो कि अपने आप से उगे हैं। और इधर ये सदाबहार से आप देखिए, सब फ्री वाला कलेक्शन है, जो जहाँ तहाँ मेरे पॉट में उगे हुए थे, और बस इनको हमने रिपोर्ट कर दिया। ये मैरीगोल्ड जो कि अपने आप से उगे, ये गैलाडिया, यहाँ तक गैलाडिया तक, ये सब फ्री वाले प्लांट हैं, जिनको हमने इस बार शीड लगाए ही नहीं। ये कहीं ना कहीं बीज जो रह जाते हैं आपके पॉट में वो हैं, तो बस इनको रिपोर्ट किया है हमने। तो बहुत सारी मेहनत इस बार कम करनी पड़ी, क्योंकि इतने सारे प्लांट जो हैं वो अपने आप से मिल गए। और देखिए कितना सुंदर मेरा गार्डन इनसे लग रहा है, क्योंकि इस समय इन पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इनके फूलों को देखे बिना रहा नहीं जाता। और इधर चलते हैं, ये देखिए गैलाडिया, जो कि ये भी अपने आप से उगा था, और इस पर भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा टिकोमा ऑरेंज वाला बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इधर ये मेरे पोर्चुला का पर्सलिन का कलेक्शन है, जिनमें सुबह बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो शाम तक ये सारे फूल बंद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी में बर्ड्स हैं, ये देखिए सभी खिले खिले थोड़े से आपको दिख रहे होंगे। तो मेरी पर्सलिन पोर्चुला का पर अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरा नाग चंपा, मैं इधर नहीं जाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि चिड़िया अभी अभी घोंसले में आई है, तो उसे लगेगा कि मैं उसे कुछ नुकसान पहुंचा रही हूं। तो जस्ट अभी आकर वो बैठी ही है और घोंसला बनाया है चिड़िया ने, ये देखिए ये भी गई, और उसे लगता है कि कोई उसके घोंसले को या उसे हानि पहुंचा रहा है, तो वो बार बार आसपास आती है, तो डर भी लगता है मुझे। तो हम आजकल यहाँ जाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे नागचंपा में ही उसने घोंसला बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा शायद दिख रहा होगा, चिड़िया बैठी हुई है अभी भी, और एक चिड़िया दूसरी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ही रखे हुए हैं। ये मेरा एक्जोरा, ये देखिए इस पर बहुत टाइम से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर जो कलेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, क्रोटोन है, अपराजिता है, मनी प्लांट है, और ये मेरा नाग चंपा,
तो यहाँ का अपडेट मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ेगा और वहाँ पर चिड़िया है और ये कुछ इस तरह से ही लगाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ पर ये मेरे ऐसे हैं प्लांट, तो बहुत सारे जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ मैं, बस उनकी कंडीशन दिखा रही हूँ कि कैसे चल रहे हैं मेरे प्लांट। ये देखिए क्रोटोन है यहाँ पर इस तरह से ये, और ये स्पाइडर प्लांट है, मदर ऑफ थाउजेंड है, और इधर तुलसी जी हैं। और अब इधर चलते हैं तो ये देखिए मेरे कितने सुंदर इस पर फ्लावरिंग हो रही है 4 o'clock पर, और ये दो कलर के इस पर फूल खिलते हैं, येलो और पिंक, और बहुत अच्छी तरह से इस पर फ्लावरिंग हुई है। इस बार फिर भी कम हुई है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये इसमें पता नहीं वो कौन सा कीड़ा है ग्रासों पर जैसा वो आता है और पत्ते कट कर जाता है, तो इसलिए फ्लावरिंग थोड़ी कम है, नहीं तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मेरे कैली जिसे भी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से हटाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, तो कटिंग करके मैंने हटा दिया था, और ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी हुई, और जैसे ही इसको ऐसे किया तो उसके नेक्स्ट डे ही देखिए इस पर बर्ड आ गई, कल इस पर ये फूल भी खिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सा कलर है मेरे कैली का, मुझे बहुत पसंद है, और रेड कलर का मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी येल्लो ही है। और ये हमारा हिबिस्कस जो कि कटिंग से लगाया था, और ये देखिए उस दिन मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो इसकी वीडियो भी बनाई थी। और इधर ये रजनीगंधा जिसको अब पूरी कटिंग कर दी है, और चलते हैं, शाम भी हो गई है, अभी थोड़ा सा दिखाई भी कम दे रहा है। यहाँ पर मेरा पॉन्सिटिया, और ये देखिए सबसे अच्छी मेरे लिलीज़, रेन लिली, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये देखिए बिना बारिश के ही मेरे यहाँ रेन लिली पर इतनी अच्छी बहार आई हुई है, आप देख सकते हैं बर्ड्स, कितने बर्ड्स निकले हुए हैं। और ये देखिए इधर वाला रेन लिली अभी तक कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, जबकि इनका फ्लावरिंग का जो टाइम है वो लगभग जा चुका है, बहुत कम इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी हर पॉट में अच्छी फ्लावरिंग ये कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। और ये देखिए उसके बाद से सभी में बर्ड्स आ गए और सभी खिल रहे हैं, तो हमने सभी जितने भी मेरे लिलीज़ हैं उन सबको कटिंग कर दिया है। और यहाँ मेरा सारा लिलीज़ का ही कलेक्शन है, ये मेरा रेन लिली है, और इधर ये मेरे एमरेलिस लिली हैं जिनकी पूरी कटिंग कर दी है, ये देखिए इस तरह से। और ये मेरे अमेज़न लिली है, ये देखिए ये अमेज़न लिली कितने बड़े हो गए हैं, बस इसकी फ्लावरिंग का वेट मैं कर रही हूँ। और इस लिली का नाम नहीं पता है, इसका एक बल्ब लगाया था और अभी देखिए कितने सारे ये अपने आप से हो गए हैं। और इधर ये मेरी नैरन लिली है, और ये है डे लिली, और इधर है फुटबॉल लिली। तो ये पूरा लिलीज़ का कलेक्शन है जो कि अपने अपने समय पर, और एक लिली मेरा फ्लेम लिली उधर रह गया है जिसका मैंने बहुत बार वीडियो शेयर किया है वो दीवार के सहारे, और अभी भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है मेरे ग्लोरियोसा लिली पर। तो ये सारा मेरा लिली का कलेक्शन है फ्रेंड। और उसके बाद ये नीचे से देखिए एडिनियम है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं कुछ इस तरह से, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह लगे हुए हैं प्लांट, तो धीरे धीरे जल्दी से दिखाऊंगी। बेल पत्री भी है यहाँ पर, ये देसी का लंचो है, ये कुछ एडिनियम का कलेक्शन है, काफ़ी कलर्स के एडिनियम हैं। और ये मेरा कटिंग से लगाया और बोगन भी लिया। इधर तुलसी जी हैं, ये वाइट हिबिस्कस है, और ये मेरा अशोक का प्लांट जो कि पूजा के लिए मैंने लगाया हुआ है, और ये मेरा चंपा जो कि कई बार फ्लावरिंग कर चुका है, मैंने बहुत बार शेयर किया है। इधर मेरा टिकोमा है येलो, और इधर मेरे बड़े बड़े प्लांट हिबिस्कस हैं, कुछ हैंगिंग बास्केट लगाई हुई है, और ये मेरा येलो कनेर, रात हो गई है तो अभी प्लांट क्लियर नहीं आ रहे हैं। और ये मेरा ग्राफ्टिंग वाला हिबिस का जिस पर दोनों ही फूल खिले हैं आज, ये देखिए इधर ये पीच कलर वाला खिला हुआ है और इधर ये रेड कलर वाला, तो ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही ग्राफ्ट किया था। और ये मेरा रेड कनेर है, इधर भी रेड कनेर है, येलो कनेर, और ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी। तो बस फ्रेंड इतना ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब दिखाई नहीं दे रहा है, रात हो गई है तो जल्दी से रात हो जाती है आजकल। और इधर ये मेरे कुछ रोज़ खिले हुए हैं, इधर मेरी झुमका बेल, और इस तरह से ये यहाँ पर ये जीनिया। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि अब दिखाई भी नहीं दे रहा है, और बस थोड़ा सा अपडेट देना था मुझे अपने वीडियो का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।